तुझे ये करना ही होगा प्रज्ञा। जो कुछ भी उनके लिए है दिल में, उसे दिल में रखना होगा, दिल को समझाना होगा कि उन्हें चाहने की, उन्हें पाने की तेरी कोई भी इच्छा अब सही नहीं है। तेरे इस जायज रिश्ते में तेरी ये सोच नाजायज है। अनजाने में प्यार हुआ तो ठीक था, पर अब सब कुछ जानते हुए तू उनसे प्यार कैसे कर सकती, क्योंकि अब तेरी नहीं बात उसकी हो रही है, जो इस दुनिया में नहीं है अभी। एक नन्ही सी जान जो 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 तेरे प्यार से कहीं बढ़कर है। मैं अपना भरोसा तोड़ सकती हूँ, पर उस बच्चे का, उसके माँ बाप से रिश्ता तो नहीं तोड़ सकती। Hey, कहाँ थी तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा था। तुम्हें पता है मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी है। तुम सोच रही होगी कि बातें तो मैं हर रोज करता हूं, इस बार क्या नया कहूंगा, पर ट्रस्ट मी, ये अलग है। इसलिए समझ में नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं। एंड यू हैव नो आइडिया कि आज मैं कैसा फील कर रहा हूं। आज मैं स्पेशल फील कर रहा हूं, आई एम फीलिंग डिफरेंट। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर। बारिश हो रही है, भीग जाएंगे, अंदर चलिए। आज मैं सब कुछ कह देना चाहती हूँ, उसके बाद मेरा प्यार मुझे अपनाए या ना अपनाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कम से कम ये खुशी तो होगी कि मैंने आपसे सब कुछ कह दिया। आई लव यू, आई लव यू, बहुत प्यार करती हूँ मैं आपसे। तुम मजाक कर रही हो ना, मजाक कर रही हो ना तुम। आपको पता नहीं क्या हो गया, जब सच बोल रही थी तो उसे मजाक समझ रहे थे, अब मजाक को सच समझ रहे हैं। झूठ बोल रही हो तुम। मुझे गोली लगी थी, हम दोनों अपनी जान बचा के भाग रहे थे। ऐसे टाइम पे तुम मजाक नहीं कर सकती, तुम मजाक करने का सोच भी नहीं सकती हो। गलत टाइम पर गलत मजाक करने की आदत मेरी है, तुम्हारी नहीं। तुम किसी की फीलिंग्स के साथ मजाक भी नहीं कर सकती। मैं जानता हूँ तुम झूठ बोल रही हो, वजह नहीं पता, बट आई नो योर लाइक। व्हाई वुड आई लाइक, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? और आपको शायद याद नहीं है, लेकिन उस दिन 1 अप्रैल था, फूल्स डे। फूल्स डे पे तो सब सबके साथ मजाक करते हैं, और खासकर मुझे और बुलबुल को तो बहुत शौक है। हम किसी न किसी पर कोई ना कोई प्रैंक जरूर खेलते हैं, और उस दिन मेरे सामने आप थे, तो इसलिए इनफैक्ट मुझे तो लगता है मेरी जिंदगी का सबसे बेस्ट प्रैंक था वो। आई विश कि बुलबुल मेरे साथ होती। बुलबुल मेरे साथ होती तो वो बहुत एंजॉय करती, उसे बहुत मजा आता। शी वुड हैव बीन वेरी प्राउड ऑफ मी। मैं तो एक्टिंग कर रही थी, लेकिन आपकी शक्ल देखने लायक थी। आप मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा कि आपने सोच कैसे लिया कि मैं आपसे प्यार कर सकती हूँ, जबकि मैं जानती हूँ कि आप तो तनु से प्यार करते हैं ना। आपको हमारी सुहागरात नहीं याद है, जब आप मुझे छोड़कर तनु के पास चले गए थे। कोई भी औरत अपने पति को किसी और औरत के साथ देखने के बाद शायद खुद से समझौता कर सकती है, लेकिन अपने दिल को धोखा तो नहीं दे सकती ना। शादी कर ली मैंने आपसे, लेकिन सब कुछ जानते हुए मैं आपसे प्यार क्यों करूंगी? कोई भी औरत कैसे कर सकती है? वो सब कुछ मजाक था, मैं भूल चुकी हूँ। आप प्लीज, आप भी भूल जाइए। शायद मेरे भाग्य में आपके नाम का कुमकुम है, लेकिन मैं आपसे कभी प्यार नहीं कर सकती। मैं मानसून की पहली बारिश। This is so exciting.
आई विश लाइक अर्लियर टाइम्स पूरब मेरे साथ होता, और अगर मेरे साथ होता तो हम दोनों एक साथ इस बारिश को एंजॉय करते जैसे पहले किया करते थे। हालिया, तुमने इतनी रात को फोन किया, सब ठीक तो है ना? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैंने सोचा मैं तुम्हें फोन कर लूं। आगे का क्या प्लान है? भाई और प्रज्ञा भाभी को एक करने का। देखो, अगर मुझे प्लान पहले से पता होगा ना तो मैं चीजों को पहले से ही प्लान कर लूंगी। सो टेल मी, मुझे क्या करना है? आलिया, आगे कोई प्लान नहीं है। मैंने अभी को रियलाइज करा दिया कि वो प्रज्ञा दी से प्यार करता है। इनफैक्ट अब तक तो उसने अपने दिल की बात बोल भी दी होगी। What are you saying? क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब था कि सब कुछ इतनी जल्दी हो गया और तुमने मुझे बताया भी नहीं। एक्चुअली आलिया, मैंने सोचा सुबह उठ के एक बार इन दोनों को जाके सरप्राइज दूंगा और तुम सोच नहीं सकती मैं कितना रिलैक्स्ड हूँ आज। अब सब अच्छा होगा, उन दोनों के बीच और कोई नहीं आ सकता। पूरब, देखो ना कितनी बरसात हो रही है बाहर, ऐसा लगता है जैसे मौसम भी मिलकर सेलिब्रेट कर रहा हो। याद है बचपन में हम कितना भीगा करते थे? याद है मुझे पूरा पूरा दिन। एग्जैक्टली, एक काम करते हैं, तुम रेडी हो जाओ और फिर हम बारिश में जाकर भीगेंगे। हाउ अबाउट दैट? चलो रेडी हो जाओ। अरे अभी नहीं, अभी बहुत रात हो गई और मैं बहुत थका हूँ, और कल सुबह बुलबुल को लेकर डॉक्टर के पास भी जाना है चेकअप के लिए। तो अगली बार जब ये बारिश होगी ना, आई प्रॉमिस हम साथ में बाहर जाएंगे, बट आज नहीं। ओके, आई सी यू। गुड नाइट। गुड नाइट। भाई को बहन जी से प्यार हो गया और उन्होंने कन्फेस भी कर लिया, ऐसे कैसे हो सकता है? और अब तनु का क्या होगा? उसे बताऊं क्या? नहीं, अभी नहीं, पहले मुझे कल भाई और उस बहन जी से बात करनी होगी, फिर सोचूंगी कि क्या करना। तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये है कि तुमने एक नफरत करने वाले इंसान को प्यार करना सिखाया, उसके बाद उसे धोखा देकर उसके नफरत को फिर से जगा दिया, उसके जानवर को जगा दिया। तुमने बहुत मजे ले लिए, अब तुम्हें सजा मिलेगी। काश कि उस दिन मैंने तुम्हें बचा नहीं होता, तो आज मुझे ये दिन देखना नहीं पड़ता। उस गोली को खाने के बाद मुझे उतनी तकलीफ नहीं हुई जितनी की आज हो रही। I thought this was the best day of my life, but this is the worst day of my life, and thanks to you. इससे पहले कि मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बता पाता, तुमने मुझे अपना असली चेहरा दिखा दिया। इससे पहले कि मैं तुम्हें बता पाता कि मैंने इस रिश्ते से क्या क्या सीखा है, तुमने मुझे लाइफ का सबसे बड़ा लेसन सिखा दिया कि जो तुम्हें सबसे अच्छा लगने लगता है ना, सबसे ज्यादा तकलीफ वो ही देखा जाता है। तुमने अपनी फीलिंग्स बताकर बहुत मजे लिए ना, लेकिन अब मैं तुम्हें अपनी फीलिंग्स बताऊंगा। शायद वो सुनकर तुम्हें और मजा आएगा। आज मैं तुम्हें तुम्हारे कन्फेशन का जवाब देना चाहता हूं। आई हेट यू। नफरत करता हूं मैं तुमसे। मैंने तुम्हारी जैसी लड़की आज तक नहीं देखी। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती और मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सबक। मेरे प्यार और भरोसे के रिश्ते को तोड़कर तुमने जो मजाक बनाया था, उसके बाद अब हमारे बीच में सिर्फ एक ही रिश्ता होगा, नफरत का। पूरा एपिसोड देखिए Z5 पर।